गोविंदा जी, आजकल बायोपिक बनने का बहुत चलन है, तरह तरह के खिलाड़ियों पर, तरह तरह के लोगों पर, और हाल ही में संजय दत्त के ऊपर भी एक बायोपिक बनी थी जो बहुत सुपरहिट साबित हुई, बहुत बड़ी हिट है वो बॉलीवुड की टॉप 3 में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई फिल्म बन सकती है, क्योंकि आपकी जर्नी भी एक रैंक आउटसाइडर की रही है, विरार का छोरा के तौर पर आपको जाना जाता है, बहुत आसान नहीं था आपके लिए बॉलीवुड में काम कर, तो ऐसा आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो फिल्म बन सकती है, और अगर बन सकती है तो कौन प्ले कर सकता है वो किरदार? अभी क्या, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, पर इसे जगह करेक्ट नहीं है इसकी। बहुत साल बाद मैंने रोमांटिक फिल्म की है। तो जो जो आर्टिस्ट नीचे से ऊपर आए हैं लाइफ में, और ख़ास तौर पर ऐसी जगह में जहाँ पे मौके ही नहीं अता फरमाता, ऊपर वाला जल्दी से नहीं मिलता है चांस ऐसी जगह में, तो हाँ ये हो सकता है, पर अभी नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। मेरा ये सोचना है कि मेरी ज़िंदगी के हर वो जो पहलू हैं, ख़ास तौर पे माँ बाप के आशीर्वाद से जुड़े हुए, और ख़ास तौर पे गुरु वर्ग से जुड़े हुए, और वो जो गांव की जो मस्तियाँ होती हैं, और जो गांव में प्रेम होता है लोगों में आपस में उनका, वो जो है वो वाकई मुझे लगता है कि आनंद, मतलब क्योंकि मेरा ऐसा सोचना है कि गरीबी में और जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग सोचने लगते हैं कि यार जो तकलीफ़ की तकलीफ़ एक्सेप्ट कर लेते हैं ना जो लोग, वो लोगों के लिए वो सिनेमा डेफिनेटली, मुझे ऐसा, मेरा ऐसा सोचना है कि वो धमाल होगा, इंस्पायरिंग होगा, पर अभी नहीं, फ़िलहाल तो इसमें मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मौका लग गया है, और अभिषेक इज़ बीन सो इज़ टू गुड इन द फिल्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय तो अभी फ़िलहाल तो नहीं, और जो इसके बाद आ रही है रंगीला राजा, अगेन उसमें वो उसी टाइप का आप लोगों को काम देखने मिलेगा जो पहले आप लोगों ने देखा है, तो अच्छी उम्मीद है मुझे, थोड़ा मैं इस वक्त डिफरेंट मूड में हूँ। इट्स अ नाइस फील, आई थिंक इट शिफ्ट आउट वेरी वेल। सॉरी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल हाइपोथेटिकल है, अगर फिल्म बनी तो कौन होना चाहिए आपके किरदार में? कौन होना चाहिए अगर कभी? अभी सोचा नहीं, अभी फ्राइडे लेके निकलिए आप। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस।